केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पाम ऑयल मिशन को मंजूरी दे दी। पिछले सप्ताह केंद्रीय मंत्रिमंडल की जब बैठक हुई थी तो इसमें एक महत्वपूर्ण फैसला लिया गया। नेशनल एडिबल ऑयल मिशन के अंतर्गत पाम ऑयल को इसमें मंजूरी दी और इस योजना का नाम नेशनल मिशन फॉर एडिबल ऑयल ऑयल पाम दिया गया। इस योजना के अंतर्गत भारत सरकार की ये योजना है कि वे पूर्व उत्तर राज्यों के साथ साथ अंडमान और निकोबार आइलैंड में भी पाम ऑयल की मात्रा बढ़ाए। हम आपको बताना चाहेंगे कि पाम ऑयल वह तेल है जिसे हम पाम के पेड़ों से प्राप्त करते हैं। इनकी मात्रा दुनिया में दिन पर दिन बढ़ती जा रही क्योंकि इनका इस्तेमाल हर उद्योग में किया जाता है। सबसे ज़्यादा इसका इस्तेमाल खाद्य उद्योगों में होता है। इसका इस्तेमाल खाना बनाने की चीज़ों से लेकर चिप्स तलने तक, यहाँ तक कि कॉस्मेटिक में भी किया जाता है। इसीलिए दुनिया में इसकी मांग बढ़ते देख के भारत सरकार ने ये फैसला किया है कि भारत सरकार पूर्व उत्तर राज्यों में और अंडमान निकोबार में इसकी प्रोडक्शन को बढ़ाएगा। इसके लिए पहले जहां भारत सरकार 12,000 रुपये प्रति हेक्टेयर देती थी, अब इसको बढ़ाकर 29,000 रुपये प्रति हेक्टेयर दे दिया गया है। इसी के साथ साथ पुराने खेतों में नए पेड़ लगाने के लिए और रख रखाव के लिए प्रति पेड़ 250 रुपये भी देने की घोषणा करी गई है। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य यह है कि भारत में पाम ऑयल की मात्रा बढ़ाई जाए। 2025 से 26 तक भारत में 6.5 लाख टन से 10 लाख टन कैपेसिटी बढ़ाने की योजना है। इस योजना का कुल मूल 1140 करोड़ रुपए है जो भारत सरकार देगी। इसमें कुछ हिस्सा राज्य सरकारों का होगा, बाकी हिस्सा भारत सरकार अपनी तरफ से देगी। इस योजना से हमारे किसान भाई काफ़ी ज़्यादा फायदा उठा सकते हैं। केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा कि इस योजना का फायदा डायरेक्ट हमारे किसान भाइयों को मिलेगा और वह अपनी आमदनी दोगुना कर सकते हैं। पाम ऑयल की बिक्री देश में बढ़ने के साथ साथ इसकी मांग विदेशों में भी बढ़ती जा रही है। इसीलिए इस योजना के लाभ के लिए भारत सरकार ने इस योजना में पूरा ध्यान देने की कोशिश करी है और 2026 से 30 तक इसकी कैपेसिटी 20 लाख टन तक पहुंचाने की योजना भी रखी गई है। अगर आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आया तो हमें कमेंट बॉक्स पर लिख भेजिएगा। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। धन्यवाद।